नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका शेफ संजय सिंघानिया। आज आपके लेके आया हूं मैक्रोनी वाइट पास्ता सॉस। तो बच्चों का बिल्कुल फेवरेट और बड़ों का भी फेवरेट। तो आज हम इसको बनाएंगे इटालियन स्टाइल में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल ड्राई ड्राई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा पानी गर्म हो चुका, अब इसमें डालेंगे एक कटोरी मैक्रोनी। इस मैक्रोनी को हम 10 मिनट बॉईल करेंगे। और इसमें हमने लेमन क्यों डाला, इसलिए कि हमारा जो सॉस पैन है वो हमारा काला नहीं होगा। तो आप भी ऐसे ही बॉईल करें। तो 10 मिनट हमारी ये मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। तो सब मैक्रोनी में ठंडी होगी, हम बनाएंगे सबसे पहले वाइट सॉस। तो वाइट सॉस बनाने के लिए हमारा ये 1.5 चम्मच बटर है और थोड़ा सा हमने इसमें डाला गार्लिक। गार्लिक का जैसी खुशबू आएगी जैसे ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा। पहले हम गार्लिक को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो इस तरीके से मिक्सर के सहारे आप इसको रोस्ट करें। और ये हमारा नॉनस्टिक पैन है, आप लोहे का बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, नहीं हमारा आपका पैन ख़राब हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारी गार्लिक हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा नाप के। तो दोस्तों हम इसलिए यूज कर रहे हैं लोहे का कि हमारा पैन ऑलरेडी थोड़ा सा डिसमिस है। अब ये हमारा मैदा हो चुका है, बिल्कुल खुशबू आ चुकी है इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास दूध। दूध आपका बिल्कुल हल्का सा कोसा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा ना हो। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। यह है वाइट पेपर। ऐड करेंगे अरोमेटिक पाउडर, आप इसको ज़रूर या ऐड करें तभी आपको अच्छा स्वाद आएगा। इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, ये हमारा मिक्स ओरिगेनो है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक आपका उबाला ना आए, नहीं आपके गिल्टियाँ पड़ जाएंगी। तो देख सकते हैं हमारा वाइट सॉस बिल्कुल क्रीमी बनकर रेडी है। और इसमें एक चीज़ और है, आप चाहे इसमें अमूल चीज़ यूज कर सकते हैं तो और बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए अभी हम इसमें अमूल चीज़ नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लास्ट में। तो दोस्तों अब ये हमारी सॉस रेडी है। ये हमारी वेजिटेबल्स हैं, इंग्लिश वेजिटेबल हैं। तो अब हम लगाएंगे मैक्रोनी को तड़का। सबसे पहले डालेंगे बटर और गार्लिक को रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें डाल दिया हमने कैप्सिकम। इस तरह से आप रोस्ट करिए, आपने ज़्यादा पकाना नहीं है सब्जियों को, थोड़ा सा क्रंची रहे। तो अब देख सकते हैं हमने सारी सब्जी एक एक करके डाल दिया है। तो आप इसी स्टाइल में सौते करें। तो हमारी सब्जियां लगभग सौते हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप पहले बिल्कुल ना ऐड करें, नहीं तो आपकी सब्जियां पानी छोड़ देगी। ये हमारा अरोमेटिक पाउडर है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाइट सॉस जो हमने बना के रखा हुआ था। इसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, नहीं तो मसाले हमारे थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या अब इसमें डालेंगे मैक्रोनी। इसमें डालेंगे ऑलिव्स। इसमें उसके बाद ऐड करेंगे अरोमेटिक पाउडर, ये हमारा स्वाद बढ़ाता है। इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा वाइट पेपर, ये हमारी ओरिगेनो पिंच। उसके बाद चिल्ली फ्लेक्स, उसके बाद ऐड करेंगे हम ये स्लाइस चीज़ है हमारी, क्योंकि इस चीज़ ऐड करने से स्वाद थोड़ा अच्छा बनता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने ज़्यादा वाइट सॉस नहीं ऐड किया है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा वाइट सॉस नहीं पसंद होती। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।